20 लाख लोगों को उन्होंने मतलब नाम दिया है, नशा मुक्त करा है संसार को। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा की ब्रांच में जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो पब्लिक आई है उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, साहब पिछले दिन इसी आश्रम में रुके थे, क्या मानना है यहाँ पर आने वाली जनता का, जानेंगे इनके साथ बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? आश्रम मेरा जी मायावती है, मायावती इंसा। मायावती जी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? मैं 30 साल से आ रही हूँ। कैसा अनुभव रहा है मैम आज तक आपका? बहुत ही अच्छा। कदम क्या उठाते हैं आप लोगों के लिए, जनता के लिए? संत जी, संत जी तो सारे कदम उठाते हैं, ब्लड डोनेट करवाते हैं और वैश्याओं की शादी करवाते हैं, उनके इलाज करवा के इतने बड़े बड़े घराने में कराते हैं, और जो है बेटी बनाते हैं उनकी शादी कराते हैं, दहेज देते हैं और नशा छुड़ाते हैं, नशा मुक्त बनाते हैं संसार को। बहुत काम करते हैं, वो तो गिनाए भी नहीं जाते, 142 काम चल रहे हैं। आपको लगता है उनकी जरूरत है हमारे समाज को? हमें तो उनकी 100% जरूरत है, मतलब 110% जरूरत है। क्यों मैम? क्यों कि उनके बिना तो नशाखोरी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मतलब संसार में बहुत ही मतलब बेचैनी हो रही है भाई, खराबी हो रही है, सब नशा कर रहे हैं और मतलब झगड़े हो रहे हैं देश में, कहीं युद्ध चल रहा, कहीं एकदम बाढ़ आ रही है, कहीं एकदम मतलब जो है कहीं आग लग रही है, कहीं ट्रेन पलट रही है, सब सतगुरु के बिना हो रहा। सतगुरु थे तो बहुत मतलब अमन चैन था संसार में, और संसार ही बेचैन है सतगुरु के बिना। तो संत जी 30 दिनों के लिए आए, उन दिनों में उन्होंने क्या कदम उठाए पब्लिक? उन्होंने तो इतने कदम उठाए कि कोई उठा ही नहीं सकता, हर एक से तो बात करिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, और 20 लाख लोगों को उन्होंने मतलब नाम दिया है, नशा मुक्त करा है संसार को। और जी मतलब इतना मतलब 24 घंटे में 21 घंटे मतलब अपने अनुयायियों को लिए दिए हैं, मतलब उनके लिए प्यार दिया है, केवल 3 ही घंटे आराम किया है सतगुरु जी ने, तो इतना बलिदान दे रखा है जनता के लिए कि कोई कर ही नहीं सकता। वे सतगुरु नहीं, वे खुद खुदा हैं, खुद खुदा धरती पर आए हुए हैं, हम तो उन्हें खुदा मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। आज भी वैसा विश्वास है? आज उससे पहले तो 100 ही था, अब 110% विश्वास है और ज्यादा है, कम नहीं हुआ। मैम जो दूसरी तरफ बातें उठाएगी उन सबके लिए क्या कहना चाहोगे, जनता को क्या बताओगे? वो तो सरासर गलत है, सरासर जो है ये मतलब नशाखोर है, जो मतलब ये क्या बोलते हैं उन्हें, जो नशा बेचते हैं उन्होंने मतलब भाई उनके नशे बंद हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों ने जो सतगुरु के विपरीत है उन्होंने ऐसा कदम उठवाया है, और सरकार ने बिल्कुल अंधी होकर सतगुरु को हमारे को जो है मतलब अंदर कर दिया, कोई ये देखा ही नहीं सच क्या है झूठ क्या है। अरे जो लोग इतने इतने काम कर रहे हैं वे एक मिनट में कुछ ना उनकी सजा होती ना, वे ट्रेन उसमें जेल में जाते, दो दो साल पांच पांच साल की लड़कियों के बलात्कार कर रहे हैं, वो सच है, वे उनके साथ कुछ नहीं होता, और हमारे सतगुरु के साथ सब झूठ, मतलब 100% झूठ, 200% झूठ है। कोई एक चिट्ठी के ऊपर सतगुरु को वहां भेज दिया क्या, मतलब ये तो अन्याय सरासर, सरकार बिल्कुल अन्याय कर रही है एकदम। क्या अपील करोगे सरकार से? हम तो ये करेंगे कि जो है विश्वास करें जो है हमारा और हमारे सतगुरु का, और एकदम हमारे सतगुरु को जो है परमानेंट के लिए रिहा कर दे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी मांग है न्याय मिलना चाहिए, संत जी समाज में आने चाहिए। इनका कहना है तमाम आरोप तमाम बातें झूठी फैलाई गई हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा के साथ आज भी ये लोग खड़े हैं, इनका मानना है कि हमारा पूरा विश्वास है और संत ही हैं जो समाज को सुधार सकते हैं। उन्होंने जो 30 दिन पैरोल पे मिले उसमें हर पल उन्होंने समाज के लिए, अपने अनुयायियों के लिए लगाया उन्होंने, और समाज हित के लिए 20 लाख लोगों का इतने कम समय में उन्होंने नशा छुड़वाया और समाज में समाज हित कार्यों का संदेश दिया, लोगों की बातें सुनी, उनकी परेशानियां सुनी। आप भी देखते रहिए किस तरीके से जनता आवाज उठा रही है कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज, द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।